हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं बचे हुए आटे का नाश्ता। तो देखिए यहाँ पे कितने अजीज और बहुत ही यम्मी बनकर के रेडी हुए। तो यहाँ पे देखिए हमारे बचे हुए आटे हैं। रोटी बनाने के बाद थोड़ा बहुत आटे बच ही जाते हैं, तो चलिए इसे हम बनाएंगे नाश्ता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं 2 बॉयल आलू और उसको छील लेते हैं। और यहाँ पे देखिए उसको कद्दूकस करते हैं। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। हम मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कद्दूकस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोनों आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। और इसमें अब डालते हैं कूटी हुई काली मिर्च, जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। और फिर डालते हैं चाट मसाला। चाट मसाला से क्या होता है कि बहुत ही चटपटा बनेगा यह नाश्ता। और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से जो होता है डाइजेशन के लिए बहुत सही होता है, तो अजवाइन सही होता है। और इन सभी मसालों को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, तो चम्मच से वैसे भी अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा था, तो इसको हम लोग हाथों से किया जैसे हम लोग बनाते हैं घर में। और अच्छी तरह से सभी मसालों को मैश करने के बाद इसको हम रख देते हैं। अब चलिए बनाते हैं सिलेरी। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। उसमें हम डालते हैं नमक, कस्तूरी मेथी, आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन बस हम यहाँ पे 2 ही चीज़ डाले हैं। और इसको हम बिल्कुल बहुत गाढ़ा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं सिलेरी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चम्मच से इसको हम अच्छी तरह से फेंटते हैं कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। और फिर जो हमारा आटा है उसको बड़ी साइज़ की हम रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले आटे को हम गोल गोल घुमा लेते हैं, फिर इसको दाब करके थोड़ा सा आटा ऊपर से नीचे डैश करके इसको हम बेल लेते हैं बड़ी सी रोटी। तो यहाँ पे देखिए बड़ी सी रोटी हमने इसको बना ली है। चकले पे भी आप बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही बनाई हूँ बड़ी। और फिर इसके ऊपर से स्टफिंग हम बनाए हैं आलू की फीलिंग, उसको हम रखते हैं। और इसको हाथों से हम फैलाते हैं, चम्मच से भी आप फैला सकते हैं, लेकिन ये चिपक नहीं रहा था तो इसको हम हाथों से चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से इसको फैलाने के बाद अब इसको चलिए हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से इसको हम उठाएँगे और इसको दाबते जाएँगे। यहाँ पे देखिए हल्के हल्के हाथों से इसको उठाना है क्योंकि नीचे चिपक भी गया था, थोड़ा सा आटा लगाना चाहिए था। और फिर इसको हम दाबते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस साइड से उठाएंगे उसी साइड दाबते जाएंगे। इसको बिल्कुल पतला सा, पतला भी नहीं मीडियम साइज़ का हम रोल कर लेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। और फिर इसको हम चाकू से काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उसी साइज़ का इसको काटना है। और फिर चाकू से काटने के बाद इसको हाथों में ले करके हमें दाब देना है। तो यहाँ पे देखिए बन करके रेडी है हमारा नाश्ता। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होता है। बस इसको करना कुछ नहीं है, काटते जाइए और हाथों पे रख करके थोड़ा सा इसको दाबते जाइए ताकि ये थोड़ा सा दब जाए, चिपटा टाइप का हो जाए। और फिर डालते हैं कढ़ाई में तेल, गैस को हम करते हैं ऑन। यहाँ पर देखिए जो हमने सिलेरी बनाई है उसी में एक एक करके हम डालते जाएँगे इस नाश्ते को। और चम्मच से उठा करके या हाथों से उठा करके हम गरम तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तेल हमारा जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है और एक एक करके हम कम से कम 7-8 डाल देंगे, जितना भी आप डाल पाएँ, जितना भी तेल हो। तो यहाँ पे देखिए इसको हम डाल दिए हैं। और इसको जब एक साइड से पक जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, तो इसको दूसरी साइड पलट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी, क्योंकि आटे से बना हुआ यह नाश्ता है, बन करके रेडी है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आप लोग इस नाश्ते को बचे हुए आटे से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।